एपिसोड ऑफ अनकॉमन सेंस एंड थैंक यू सो मच इस शो को इतना प्यार देने के लिए। मुझे बहुत सारे रिव्यूज भी मिल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यू गो गर्ल और बाकी कह रहे हैं यू गो गर्ल टू पाकिस्तान। चलो अच्छी बात है, जिसको जो बोलना है बोले, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, इसीलिए यहाँ रिफॉर्म्स करना मुश्किल है। ये तो वही बात हो गई कि राज की मम्मी मुझे बोलते हैं तुम हमारे घर की बहू नहीं बन सकती बिकॉज यू आर टू एजुकेटेड। सासू मां रिजल्ट आने का वेट तो करो, क्या पता फेल ही हो जाओ। वर्ल्ड की सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी इंडिया में फार्म बिल्स के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसपे माननीय करुणा महोदय हंसते हुए बोले कि भाई देश तो मैं बंद करा चुका हूं, अब तुम खुलवाने की कोशिश कर लो। भारत बंद में सरकार ने भी किसानों का पूरा साथ दिया और पेट्रोल का प्राइस 90 रुपए लीटर कर दिया। लेकिन फिर भी अपने लोग नहीं रुके, क्योंकि हमें क्या, हमें तो 50 का ही डलवाना है। अब हमारी डेमोक्रेसी इतनी टू मच हो गई है कि उसको संभालने के लिए 2 पार्लियामेंट लगेंगे। लास्ट वीक हमारे पीएम ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अभी सुप्रीम कोर्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 1000 करोड़ का बिल्डिंग टेंडर टाटा ग्रुप को दे दिया है, जिस पर दिल्ली के यंग प्रॉपर्टी डीलर ने कहा आ गए लुटके, अब 950 में हम करा देते और पीओपी और फॉल सीलिंग ऑन द हाउस। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट करने का प्लान है और मुझे भरोसा है कि ये बन भी जाएगा। आफ्टर ऑल ये तो हमारे पॉलिटिशियंस के बैठने की जगह है। हाँ, अगर यही स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट होता तो 2022 में बच्चे उसी फाउंडेशन स्टोन को विकेट बना के क्रिकेट खेल रहे होते और थोड़ी देर में बैटिंग के लिए घुसंड मुक्की भी शुरू हो जाती, जस्ट लाइक पार्लियामेंट। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्वीन एलिजाबेथ से 2-3 साल ही कम चलेगी, यानी करीबन 150 साल। लेकिन डेमोक्रेसी की कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इसमें लगभग 1224 एमपी के लिए चेयर्स लगी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब फिक्स्ड होंगी, इसलिए मेंबर्स को एक दूसरे पर फेंकने के लिए सामान घर से ही लाना पड़ेगा। ऑपोजिशन हालांकि नई पार्लियामेंट बनाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि अभी नई बिल्डिंग की क्या जरूरत है, ये पैसा कहीं और भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है। वैसे जो ऑपोजिशन की हालत है उन्हें तो नई बिल्डिंग की सच में कोई जरूरत नहीं है, वो सारे तो एक ही कमरे में फिट हो जाएंगे और उसके बाद भी ड्रेसिंग टेबल की जगह बच जाएगी। फिलहाल तो उन्हें नई बिल्डिंग की नहीं, नई लीडर की जरूरत है। लेकिन इतने बड़े देश की पार्लियामेंट के लिए 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इससे ज्यादा तो कोहली की मैच फीस कट चुकी है, और तो और इससे ज्यादा तो अंबानी जी गोद भराई में दे देते हैं। वैसे पार्लियामेंट का सीन बॉयज हॉस्टल जैसा ही होता है, चीखना चिल्लाना, सब्सिडाइज फूड, जॉइंट सेशंस, फॉलोड बाई 5 ईयर्स ऑफ रैगिंग। ऐसे जब हॉस्टल में रैगिंग हुई थी तो हमें लगा था कि चलो ठीक है, इसके बदले सीनियर्स का प्यार ना सही, कम से कम नोट्स ही मिल जाया करेंगे। लेकिन जब से हम ऑनलाइन हुए रोज रैगिंग होने लगी है, ना नोट्स मिल रहे ना प्यार। इनफैक्ट इंटरनेट पर तो ये तक पता नहीं चलता कि रैगिंग लेने वाला सीनियर है, जूनियर है या कोई मिनिस्टर। इस ऑनलाइन रैगिंग के लिए एक टर्म है, साइबर बुलिंग, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली हरासमेंट। नहीं, मैं फैबुलस वाइब्स देखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फोन या कंप्यूटर से सोशल मीडिया, चैट रूम्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली ट्रोलिंग की। अरे मैं तो बिग बास्केट पर भी ट्रोल हो जाती हूँ। मैंने एक बार रिव्यू डाला कि तुम्हारा खरबूजा सड़ा हुआ है, तो मालूम है मुझे ट्रोल का क्या रिप्लाई आया, तेरे मुंह से तो कम ही सड़ा है। और ये तो तब है जब मैंने डीपी में मास्क लगाया हुआ था। साइबर बुलिंग आपकी मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। ट्रोलिंग इसका सबसे मेन टूल है। ट्रोल्स मतलब इंटरनेट का डैंड्रफ, लेकिन सैडली इन पर कोई शैम्पू काम ही नहीं करता है। ये आते हैं जाते हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते, सर झाड़ो तो कंधे पर आकर बैठ जाते हैं या आपको मजबूर कर देंगे सर मुंडवाने पर, और सर मुंडवाने के बाद आपको टकलू टकलू बोल के चढ़ाएंगे। ट्रोल्स के लिए इंटरनेट रियलिटी शो की तरह है। वो लोग यहाँ ऑफ टॉपिक रिप्लाई करते हैं, फैक्ट्स को मानते नहीं है और पर्सनल अटैक करके आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा मैं फिर से पद्मश्री क्वीन की बात कर रही हूँ, लेकिन शी इज इंट अलोन। ऐसे लाखों ट्रोल्स हैं इंटरनेट पर जो आपके अटेंशन की वजह से जिद्दा है। अटेंशन उनके लिए ऑक्सीजन जैसी होती है और ट्विटर उनके लिए आरे का फॉरेस्ट। इंडियन इंटरनेट इज स्पेशली हजार्डस फॉर वुमेन। एज पर द नीलसन रिपोर्ट 40% वुमेन ये कहती हैं कि उन्हें ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हुए ट्रोलिंग का डर रहता है, और एक साल में फीमेल साइबर बुलिंग 36% बढ़ गई है। मतलब सीधी सी बात है कि लड़कियों को फोन पर भी डेली जैसा ही फील होता है, बस फर्क इतना है कि फोन पर तो आप पेपर स्प्रे भी नहीं मार सकती। और एक बड़ी बीमारी है
साइबर स्टॉकिंग, यानी 90s की मूवी का हीरो जो छिछोरापंती लड़की का पीछा करते हुए सड़क पर करता था, अब वो इंटरनेट पर होता है। किरण प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। नहीं किया तो मैं अपनी नई आईडी से तुम्हारे FB, इंस्टा, लिंक्डइन, नेट बैंकिंग और तो और तुम्हारी जूम मीटिंग में भी घुस जाऊंगा। लेकिन माइंड यू सस्ते आशिक, किरण अब डरेगी नहीं, साइबर स्टॉकिंग के लिए तुझे जेल हो सकती है। 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद साइबर स्टॉकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर IPC सेक्शन 354D विद अप टू 5 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। जॉफ्री बॉयकॉट इंग्लैंड के एक मशहूर क्रिकेटर थे, लेकिन इंडिया में तो ये एक हॉबी है। मतलब हमारे यहाँ तो जो फ्री है वो बॉयकॉट में लगा हुआ है। मूवी का, ऐप का, खिलाड़ी का, एक्टर का, सबका बदला लेगा रे तेरा ट्रोलर। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज की IT टीम्स मिलकर ही इस खेल को चलाती हैं। जिसका भी ओपिनियन या सोच उनसे अलग होता है उसे ही बॉयकॉट कर देती हैं। ईशांत शर्मा से ज्यादा रेगुलरली चोट तो इनके सेंटिमेंट्स को लगती है। बॉयकॉट का ट्रेंड तो ऐसा चला है कि कई बार ट्विटर पर ही बॉयकॉट ट्विटर ट्रेंड कर रहा होता है। बोलो। पिछले हफ्ते एक वेटरन ट्रोलर ने स्विगी से ऑर्डर करने का मूड बनाया तो उसे याद आया कि वो तो आज ही बॉयकॉट किया है। फिर उसने सोचा कि जोमेटो से ऑर्डर कर लेता हूँ, लेकिन वो तो पिछले बॉयकॉट में डिलीट कर दिया था। फिर उसने सोचा कि खुद बना लेता हूँ, लेकिन फार्मर्स को भी तो बॉयकॉट करना था। तो ले दे के उसने सोचा कि पानी पी के ही सो जाता हूँ, लेकिन पानी भी पी से शुरू होता है और पाकिस्तान। समझ रहे ना आप कि एक ट्रोलर की लाइफ में कितनी कठिनाइयां होती हैं? बट नॉट एनी मोर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार, धमाकेदार नई ऐप। लेट्स चेक इट आउट।